आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। कामाख्या नैना योगिनी साधना, ये वो साधना है जिस पे आज हम लोग बात करेंगे, जिसका विधान आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये साधना किनको करनी चाहिए? ये साधना उन लोगों को करनी चाहिए जिनको ये पता है, जिनको ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर या उनके किसी परिवार पर, किसी प्रियजन पर किसी ने मोहिनी वशीकरण या आकर्षण मंत्र का प्रयोग किया है, जिसके कारण जो उनके प्रियजन हैं उनके विरोधी हो गए। ये साधना तब ही सफल होता है, ठीक है, जब किसी क्रिया के कारण किसी को दुख मिले। आप इस साधना को करने से पहले ये समझ लेना कि आपके व्यक्तिगत व्यवहार के कारण या किसी और कारण से, जिस जो आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर हटा है तो इस साधना में आप समय बर्बाद ना करें बिना कारण अकारण। जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पति का पत्नी से मोह भंग हो गया है, पत्नी का पति से मोह भंग हो गया है, बच्चे का माँ पिताजी से मोह भंग हो गया है, ठीक है। तो इन सब स्थानों पर ये साधना करने से ये काफ़ी उपयोगी साधना होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? ये साधना आप 9 दिन करेंगे, ठीक है। एक बार आप इस साधना को 9 दिन करेंगे तो उसके बाद जीवन भर आप इस साधना को अपने लिए और अपने स्वजनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। इसमें आपको क्या चाहिए होगा? एक बरजोट, मतलब एक छोटा सा चौकी, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा, ठीक है, उसके ऊपर चावल से जो हम यंत्र बनाते हैं, चावल फैला लेना गोलाकार में, उसके ऊपर त्रिशूल से अर्धमुखी एक त्रिशूल एक बना लेना सिंदूर से, उस पर उर्धमुखी मतलब ऊपर की तरफ उसके तीनों नोक हों ऐसे, सामने 5 घी के दीपक जलाना, ठीक है, धूप जलाना लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में फल रखना, ठीक है। ये एक तरफ कामाख्या की चौकी हो जाएगी, माँ कामाख्या की। दूसरी तरफ सरसों तेल, चमेली का तेल, घी, तिल का तेल और कोई एक तेल जो आपके पास उपलब्ध हो, सूरजमुखी का हो, अरंडी का हो, जिसका भी हो, उसको मिला करके एक दीपक आप जलाएंगे इस बरजोट के राइट हैंड साइड में, जहाँ ये कामाख्या की चौकी आपने लगाई है, इसको आप जलाएंगे नैना योगिनी के नाम पे, ठीक है। और वहाँ पे भी आप फल फूल प्रसाद नवेद रखेंगे, ठीक। ये साधना 9 रात्रि तक चलती है और इस साधना को शुरुआत हम करते हैं रात के 11 बजे, ठीक है, मतलब एकदम समय देख के 11 बजे आपको शुरू करना है और 12 बजे परांत इसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसमें संख्या की जो गिनती होती है वो माला पर नहीं, समय पे होती है, और जब तक आप ध्यान कर रहे हैं तब तक आपको ये जाप करते रहना है। शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत में हाथ में जल लेंगे, अक्षत लेंगे, एक सिक्का लेंगे, एक सुपाड़ी लेंगे और उसके बाद माँ कामाख्या का ध्यान करेंगे अपने हृदय पे। माँ कामाख्या पंचमुखी है और कमल के आसन पर विराजमान है, ऐसा माँ को हम ध्यान करेंगे और उसके बाद संकल्प करेंगे कि अमुक व्यक्ति के ऊपर अगर माया जाल है और इस माया जाल से मुझे या अमुक व्यक्ति को दुख हो रहा है तो हे माँ इस कष्ट का निवारण करो, ऐसा करके आप संकल्प ले लेंगे। और उसमें संकल्प में ये भी रहेगा कि इस स्थान पर 9 दिनों तक मैं ये साधना करूँगा। इसमें एक चीज़ है कि आपको नॉन वेज और मदिरा का सेवन नहीं करना है,
जब तक साधना पूरी नहीं होती है। तो ये 9 दिन आप सिर्फ शाकाहारी भोजन करेंगे और मांस मदिरा पान नहीं कर सकते, क्योंकि अंतिम दिन जब आप हवन करेंगे तो उसमें इन चीज़ों का उपयोग होता है। तो जिस चीज़ का हवन में उपयोग होता है उसका 100 भक्षण नहीं कराना चाहिए, ठीक है। अब मंत्र सुनिए। हाँ, एक बात और, लाल वस्त्र अगर आपके पास है तो वो बहुत उत्तम रहेगा, और लाल वस्त्र को रोज धो करके फिर से उसको पहनिएगा। बहुत लोग पूजा में रेगुलर एक ही कपड़ा पहनते हैं। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम श्री अस्थापन तामे करहु जामे राम भलाई गुनिया के जो गुन काटो ते इसमें नहीं मनाही दुहाई कामरू कामाक्षा नैना योगिनी की शब्द साचा पिंड काचा फूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। ठीक है, एक बार फिर से मंत्र सुनिए। ओम श्री अस्थापन, स्थापन नहीं अस्थापन, ओम श्री अस्थापन तामे करहु जामे राम भलाई। वही करो जिसमें लोगों की भलाई हो। मैंने बोला कि अगर किसी को दुख हो, किसी को पता है कि वो अपने हरकतों के चलते किसी से दूर नहीं हुआ है, जिसमें लगे कि हाँ कोई परतंत्र क्रिया की गई है, उसी में इसका प्रयोग करना है। जैसे पति छोड़ गया हो, बच्चे छोड़ गए हो, देखभाल नहीं करो, वैसे में गुनिया के जो गुण काटो, मतलब जो भी परतंत्र हुआ उसको काटो, ते इनमें नहीं मनाई, इसमें कोई गलत नहीं है, दुहाई कामरू कामाक्षा की नैना योगिनी की, मतलब दुहाई किसका, तो कामरू कामाक्षा और नैना योगिनी की, शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा, मतलब ईश्वर रचित मंत्र है तो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओम श्री अस्थापन तामे करहु जामे राम भलाई गुनिया के जो गुन काटो ते इसमें नहीं मनाही दुहाई कामरू कामाक्षा नैना योगिनी की शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। पहला बार इस मंत्र को जब भी आप सिद्ध करेंगे, पहली बार ना, तो इसको खुद से करना, मतलब खुद के लिए प्रयोग करना, ठीक है। अगर लगे कि किसी के साथ परतंत्र हो गया, आपका दूर हो गया है, तो 9 दिन उस लिहाज से आप साधना करना। 9वें दिन की रात में, ठीक है, एक पात्र लेंगे, ठीक है, भगवती को घर के बाहर कहीं हवन करेंगे भगवती के लिए, और वहां पर भगवती को मांसाहार चढ़ाएंगे। मांसाहार में क्या चढ़ाएंगे? मछली चढ़ाएंगे, ठीक है, छोटी मछली चढ़ाएंगे। दशांश आप नहीं चढ़ा सकते हैं, तो कम से कम 11 मछली चढ़ाएंगे, ठीक है, या 9 दिन का 9, जैसा आप सक्षम हो, लेकिन 9 कम से कम रखना। एक घी में थोड़ा मदिरा मिलाएंगे और उसके बाद इसी मंत्र से भगवती की आहुति, भगवती को आहुति देंगे 108 बार, ठीक है, दशांश नहीं करेंगे। जो अंत में जो भोग में मछली बना है, अगर आप खाते हैं तो उसको उसी हवन की अग्नि में सेक के खा लें, या फिर उसको फिर हवन कुंड में दे करके छोड़ दें। इसके बाद जब कभी भी आपको किसी और के लिए इस मंत्र को प्रयोग करने की इच्छा हो, तो सिर्फ 1.25 घंटे, मतलब जो 11 से 12, 12 से ज़्यादा होना चाहिए इसलिए मैंने 1.25 घंटे बोला, तो 1.25 घंटे संकल्प करके भगवती के नाम से इस मंत्र को पढ़ लेना, जिसके ऊपर जो भी माया होगा, जो भी परतंत्र होगा, वो खत्म हो जाएगा। ये साधना सिर्फ और सिर्फ मोहिनी सम्मोहन और आकर्षण में काम करती है, ठीक है। किसी तरीके का और जो जादू होता है, किसी तरीके का और भी जो इसे उच्चाटन मंत्र हो, या फिर कोई भी किसी ने आपके फाइनेंस को हैम्पर करने की कोशिश की हो, तो उसमें ये मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। और इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगला दुखियारा होना चाहिए। मंत्र में भी बोला है कि तामे करू जामे राम भलाई, जिसमें किसी की भलाई हो वो कर दो माई, है ना, माँ कामाख्या सब देखती है। आज के लिए इतना ही,
जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिसमें जानकारी हेतु गुरु मंत्र से पहले की साधनाएं सिखाते हैं, मंत्र मिलने से पहले वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 9431188585। अपॉइंटमेंट देने का विधान www.aghortantrahasya.com पर दिया हुआ है, उसमें www.aghortantrahasya.xyz डायरेक्ट बात कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप www.aghortantrahasya.xyz पर जाइए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 से अपॉइंटमेंट लेने का विधान बता दिया जाएगा, बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही माना मत आप लोगों पर भरोसा है, मेरी कामना है आप सभी सुखी बनाए, मेरी कामना है आप सभी को आदेश अलग आदेश।